नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद अफजल महबूब के वार्ड 19 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? वार्ड 19 का जो पार्षद है, एक पढ़ा लिखा इंसान है, समझदार आदमी है और पार्षदों से लाख दर्जे बेहतर है। कमियां तो सारी होती हैं, कुछ कमियां हैं, पूरी 100% पूरी नहीं हो सकती वार्ड के अंदर। जैसे समस्याएं आती हैं वो भी मिलकर के करता है, हमारे सामने आती है, हम भी कोशिश करते हैं कि उन समस्याओं को हल कराएं। बहुत बढ़िया काम चल रहा है उसका, अच्छा काम। वर्तमान की बात करें, समस्या क्या वार्ड में? वर्तमान में तो सिर्फ ये जनरल समस्याएं तो चलती रहेंगी जब तक आदमी जिएगा, लेकिन ये नाला मैन है जिसको पाटने की जिम्मेदारी पार्षद ने ले रखी है और हम भी हमारी जानिब से कोशिश कर रहे हैं, मंत्री से सरकार से कोटा जो निर्धारित कराया है उसको कंप्लीट कराएंगे। पार्षद इसमें पूरी तरह से कामयाब है, लगा हुआ है, कोशिश जारी है हमारी भी और उनकी। इस वार्ड नंबर 19 में जो सभी जनता का फीडबैक ये आ रहा है कि बड़ा जो नाला है, इस नाले की सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, इस नाले को छपवाने की मांग कर रहे हैं। बस नाम आपका राजेश, क्या समस्या आपके वार्ड में? सर, समस्या तो यह है कि ना तो नालियों की सुविधा, ना कचरा उठाने वाली स्वच्छ भारत आती है, ना रोड है, लाइट को आज 2-2 महीने हो गए रोड लाइट पे अंधेरा रहता, रातों को लड़के बदमाशियां करते हैं अंधेरे के अंदर। तो हमारी ये समस्या अगर हल हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाए। मेरा नाम मईनुद्दीन है, कौन सी कॉलोनी में रहते हो? व्यास कॉलोनी में, शास्त्री नगर। आपके वार्ड में समस्या क्या है? हमारे वार्ड में समस्या रोड बिजली नाली की तो है ही नहीं, प्रॉब्लम है कि बड़े नाले की आ रही है, बाकी तो सड़कें वगैरह तो बन गई है और बिजली वगैरह नाली वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बड़ा जो इशू है वो हमारे नाले का है, अगर ये इसका काम जाए तो हमारे कॉलोनी में बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा, बहुत अच्छी सफाई रहने लग जाएगी। कल आपके जो पार्षद है अफजल महबूब, ठीक है अभी तक तो सही है, अभी इन्होंने रोड वगैरह सब बनवा रहे हैं, लाइट वाइट भी लगवा रहे हैं, तो अभी तक तो ठीक है। कोई समस्या लेकर जाते हो सुनवाई करते हैं? हाँ, सुनवाई करते हैं। समस्या क्या आपके वार्ड में? अभी तो लाइट वाट की जो कमी थी थोड़ा लगा है, जरा थोड़ी बहुत और है वो भी करवाएंगे उनसे। क्या है समस्या? अभी थोड़ी बहुत नाली की और है, जोड़ा गंदगी वगैरह जो है वो सफाई करवानी है। सफाई की समस्या? हाँ, थोड़ी अभी सफाई और करवानी है, बाकी रोड वगैरह बना। समस्या वार्ड में? कोई समस्या नहीं है, सारे काम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी नाले की समस्या है, वो बस भर रहा है, वो मच्छर वच्छर के आते हैं, गंदगी है ज़्यादा, नाला साफ करवा। मेरा नाम छुट्टन भाई है सर। पार्षद है आपके, जो पार्षद है उनका जो कार्यकाल कैसा रहा? मैं हमारे यहाँ पार्षद खूब आए, इनसे पहले खूब पार्षद आ गए, लेकिन जैसा अब की बार जो काम हो रहा है और जो अब साहब आए तो वो ये देख लो कि उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही हमारे यहाँ करके सारे कार्यकाल कर रहे हैं। सर, रोड बनवा दिया, लाइटें लगवा दी, नालियाँ बनवा दी और रोड भी एक नंबर बनवाया। मैं समझता हूँ ऐसा पार्षद मुश्किल है मिलना। क्या काम हुआ उसके अलावा? और भी उसके अलावा जो काम हमारी जो समस्या होती है वो सारी 2 मिनट में हल हो जाती है, उनको कहने की। इस्लाम नाम है मेरा। कौन सी कॉलोनी में रहते हो आप? कैलाश पथ राणा कॉलोनी। आपके जो पार्षद है कार्यकाल कैसा रहा उनका? उनका कार्यकाल तो बढ़िया है और मेरी एक थोड़ी सी समस्या है, मेरे घर के आगे वाल पानी का खुलता है, अब उसके क्या बच्चों के पैर वेर चले जाते हैं, एक दो दफ़ा मैंने शिकायत भी करी कि बच्चों का एक का पैर फ्रैक्चर हो गया, तो मिश्रा जी हैं बढ़िया आदमी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं जल्दी कर दूंगा, तो मैं फिर भी उनसे उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी मेरा वो काम कर दें। अवगत करवाया ये वाली बात आपने? हाँ, पार्षद महोदय को अवगत कराया, पार्षद महोदय ने भी उनको कहा, पर्सनली कहा कि बोला ये इनकी समस्या है, इसको जल्द से जल्द कर दें, और उनसे ही मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन वो काम कब तक हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए, और आपके इस न्यूज़ चैनल का मैं आभारी हूँ कि जिससे कि वो जल्दी से जल्दी आप उसको उजागर करेंगे तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस तरह से जन समस्याओं को सुनने के लिए आते हो, लोगों की समस्याएं सुनते हो, तो इससे मतलब आपके चैनल के लिए भी मैं आभारी हूँ कि मतलब इसको उठाएंगे तो शायद वो हो जाए, क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं, कभी लेडीज़ का पैर चला जाता है, कभी जेंट्स का चला जाता है। भाई साहब, हमारे वार्ड में पहले काम नहीं होता था, अब अफजल महबूब जब से आया जब से हमारी सुनाई हो रही है काम हो रहा है। समस्या क्या वार्ड में? वार्ड में गटर लाइन की, पानी की, रोड की थी,
फौजी चल रहा, भरपूर काम चल रहा है इनका हमारे। अच्छा हो रहा है? हाँ बिल्कुल, पानी लाइन भी अच्छी हो रही है, रोड भी गिर रहा हमारे वार्ड में। कोई समस्या लेकर जाते हो सुनवाई होती है? बिल्कुल, कुंडी बजा दो, आधी रात को तैयार रहते हैं ये सेवा पानी। व्यवहार कैसा वार्ड से? व्यवहार बहुत अच्छा है, दो बार भी ऊंची आवाज बोलते सुन लेते हैं, ये बहुत बड़ी आदत है। पहले के जो पार्षद है अभी के जो पार्षद, कुछ अंतर दिखाई दिया? ये पार्षद ऐसे है, ये बेफिक्र होकर इनके पास कुंडी बजा सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है इस बार। कल के सर आपके जो पार्षद है उनका पार्षद का अच्छा है? अच्छा रहा, क्या अच्छा रहा? सही काम चल रहा है, रोडे बन रही है जगह में, नाली का व्यापार चल रहा है, रोडे की उम्मीद थी, उम्मीद पे खरा उतर रहे हैं जो, तो हो ही रहा है, उम्मीद पे खरे हैं अपने आदमी है। और अच्छा सारी। कौन सी कॉलोनी में रहते हो? व्यास कॉलोनी। आपके जो पार्षद अफजल महबूब, कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और आगे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। अभी जो नई सड़कें बनी है वो सब इन्होंने बनवाई है, 27-28 सड़कें तो बनवा चुके हैं। और पार्षद जैसे कि अफजल, उन्होंने कहा अफजल भाई ने कि जैसे आगे भी काम हो रहा है और आगे भी करते रहे। देखिए कोई समस्या लेकर जाते हो पार्षद के पास, सुनवाई होती है? जी बिल्कुल। व्यवहार कैसा पार्षद? व्यवहार तो बहुत अच्छा है। 2 सालों में सड़क के अलावा और कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? सड़क के अलावा जहाँ लाइटें नहीं थी, अंधेरा था, जहाँ पे इसमें वगैरह ये गांजा वगैरह सप्लाई होता था, उनकी लाइटें लगवाने से उनके चेहरे सामने आए। सबसे बड़ी तो इनकी अप्रोच बहुत ईजी है, जब भी रास्ते चलते हैं इनको कोई भी पकड़ सकता है और अपनी बात को कह सकता है, और ये सुनते हैं। अब से पहले जो पार्षद हुए ना तो वो मिलते थे ना सुनते थे, उनके घर जाना पड़ता था जनता को, और जनता को ऊपर से ही कहलवा देते थे कि साहब पार्षद साहब नहीं है, निकल गए, जबकि होते घर में ही थे। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है वार्ड 19 की। आपने कहा कि जनता के हित में कुछ काम किया, क्या काम किया? हमारे यहाँ कम से कम पिछले 2 सालों में 27-28 तो सड़कें बनवा दी है, और उन जगहों पर सड़कें बनवा दी है जहाँ पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यहाँ कभी सड़क बनेगी। और पतली पतली छोटी छोटी गहरी गलियों में लाइटें लगवा दी हैं। और भी कोई समस्या बताता है तो अगर कोई आसानी से समस्या का निपटारा होना होता है तो वो विद इन 1 ओवर में करवा देते हैं, और नहीं तो 2-4 दिन में हर समस्या का समाधान हो जाता है। मजहर खान। कौन सी कॉलोनी में रहते हो? मैं बड़ाई बस्ती में रहता हूँ, वार्ड 19 में। देखिए आपके जो पार्षद है अफजल महबूब, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, जो आप इस तरह से प्रत्येक जो है नागरिक उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पार्षद का क्या रोल है। पार्षद साहब जिस दिन से बने थे उस दिन से ही उन्होंने एक संकल्प ले रखा है कि मेरा काम यही है कि मैं इस वार्ड को ऊंचाई पे ले जाऊं, जो भी इनकी समस्याएं दूर करूं, वो अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक वादा मैं जोशी जी मंत्री जी ने इनकी चुनावी सभा में कहा था, इन्होंने भी कहा था कि जो नाला है ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मान रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो तो पब्लिक एक बड़ी जो है समस्या से निजात पा सकेगी। इसके लिए हम भी इनका सहयोग कर रहे हैं, जहाँ जाने के लिए कर रहे हैं हम इनके साथ हैं, इनके कंधे से कंधा मिला करके अब विकास में हम इनका पूरा साथ दे रहे हैं, पब्लिक साथ दे रही है। लेकिन कुछ जो है अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षा की वजह से सफाई में रोड में उनका सहयोग पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे, इसलिए थोड़ी बहुत कहीं कमी रहती है। मैं आशा करता हूँ कि आपका चैनल जो है इस बात को उठाएगा तो हमें थोड़ा सहयोग मिल करके ये ड्रीम प्रोजेक्ट जल्दी हो जाएगा। ये ड्रीम प्रोजेक्ट हेरिटेज वार्ड नंबर 19 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 19 के पार्षद के कार्यालय में। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद हैं इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और क्या समस्याएं बची है। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज भारत पर आपका स्वागत है, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा आपका? कार्यकाल बड़ा शानदार रहा, लोगों के टच में आया, लोगों के जन समस्याएं सुनी, बहुत मज़ा आ रहा है काम करके लोगों का। देखिए हम आपके वार्ड का दौरा कर रहे थे उस टाइम पे सीवरेज की भी समस्या देखने को मिल रही थी, खासकर आपके कचरे की भी समस्या मिल रही है जो बंदाबस्ती उस एरिया में, उसको लेकर क्या कहोगे आप? आपने तब दौरा किया था, अब जाकर के दोबारा दौरा करिए, तकरीबन वो सिविल लाइन ने पूरी कंप्लीट हो चुकी जहाँ नहीं थी, और कचरे की समस्या है, कचरा हमारा डे बाई डे उठ रहा है, डोर टू डोर कचरे की गाड़ियाँ हमारी चल रही हैं, और कचरे की समस्या मेरे पास नहीं आ रही, पहले स्टार्टिंग में आई थी अब मेरे पास भी नहीं आ रही। बंदाबस्ती में हमने अभी दौरा किया है पिछले वीक ही, तो वहाँ कचरे काफ़ी जगह कचरे बड़े, कई औरतें और जेंट्स हैं वो बता रहे हैं। नहीं वो उस वक्त रोड बना नहीं था, रोड का काम चल रहा था, तो अब रोड बन चुका है, अब गाड़ियाँ वहाँ पर कंटिन्यू कर रही हैं।
पिछले दो सालों में सड़क निर्माण को बात करें, सड़क निर्माण का कार्य कितना प्रतिशत हो चुका है आपके? मेरे तकरीबन 65% से ऊपर हो गया, तकरीबन 15% अभी मौजूदा काम चल रहा है मेरे वार्ड के अंदर। तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए की सड़कें बन चुकी है। इसके अलावा और कुछ काम हुआ पिछले दो साल? हाँ, हमारे यहाँ पे जहांधेरी गलियाँ थी वहाँ लाइट लगाई है, एक एक गली में 6-6 लाइट लगाई है। दूसरा बात, पानी की जो समस्या आती थी वो हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर महेश जोशी जी की कृपा से मेरे वार्ड पे तो बहुत अच्छी काम चल रहा है। उनका जो वादा था कि अफजल का वार्ड अच्छा होगा, वो वार्ड हम पूरा कर रहे हैं। देखिए, हम बात करते हैं दो साल पहले की, क्या समस्याएं थी आपके वार्ड में? पहले रोड कुछ बने हुए नहीं थे, कचरे की वो नहीं थी, नाला था, गंदा नाला था, पानी की समस्या थी प्रेशर से। अब महेश जोशी जी की उन्होंने उनके दिशा निर्देश अनुसार मेरे वार्ड में काम हो रहा है। बोरिंग लग चुके हैं, गली गली के अंदर पानी की लाइन डल चुकी है, सीवर लाइन डल चुकी है, रोड बन चुके हैं, तो मेरे तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है और जनता भी खुश है। कितनी लाइटें लग चुकी है आपके वार्ड में? तकरीबन 150-200 लाइटें लग चुकी हैं और अभी भी आगे अभी बंद नहीं हुई है। तकरीबन हम 3 साल का मेरा कार्यकाल और है, इसके अंदर पूरी कोशिश करेंगे कि 3 साल का जो कार्यकाल है उसको लेकर फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? हाँ, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है नाले को छपवाने का, उसकी DPR ये जो है ये मैं मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा चुका हूँ और जल्दी इस नाले का काम भी हम पूरी कोशिश करें। 33 करोड़ का लगभग बजट है इसका, वो हम मुख्यमंत्री जी से लेकर के इसका नाले का छपवाने का काम करेंगे। देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ज़्यादातर लोगों का मानना होता है इनका जो सरकार के विरुद्ध है वो माहौल बनता है, लेकिन मुझे लगा नहीं कि ऐसा कोई माहौल है। क्षेत्रीय विधायक के लिए कोई विरोध का माहौल नहीं है, लोग जो क्षेत्रीय विधायक को बहुत, हमारे महेश जोशी जी हैं उनको सब भाई साहब के तौर पे याद करते हैं, भाई साहब कहते हैं। तो परिवार के MLA नहीं होकर के वो हमारे परिवार के सदस्य, मेरे ही नहीं पूरे भवामेल विधानसभा के, हम दोबारा विधानसभा चुनाव महेश जोशी जी के नेतृत्व में जीतेंगे। राजनीति में आने का क्या कारण रहा आपका? मैं तो 92 के अंदर राजस्थान पुलिस में मेरा तो तकरीबन चुनाव हो चुका था, लेकिन मैं जनता की सेवा करना चाहता था और मेरे को भाई साहब का आशीर्वाद मिला डॉक्टर महेश जोशी जी का, तो मैं राजनीति में आया, मेरे को सफलता भी मिली और एक सफल पार्षद के रूप में आपके सामने मैं हूँ। शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम हुआ हो पिछले 2 सालों में या 3 साल का जो फ्यूचर कार्यकाल बचा उसको लेकर? बंदाबस्ती की हमारी स्कूल क्रमान्वित हुई है, वहाँ टीचर कम थे वो पूरी भरपाई हुई है। दूसरी बात, मेरा जो प्रयास है वार्ड के अंदर महात्मा गांधी मुख्यमंत्री जी की योजना है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का, वो भी मैं मेरे क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पट्टों का जो प्रोग्राम चल रहा है अभी सरकार द्वारा, उस पट्टे में मेरे एरिया में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर भूमि वन विभाग की है, तो हम उस वन विभाग को राजस्व रिकॉर्ड में उसको रिहायशी बस्ती के रूप में उसको कन्वर्ट कराने का मुख्यमंत्री जी को और माननीय विधायक मोदी को हमने लेटर दिया है और वो इसको जल्दी पूरा करके कन्वर्ट इसको रिहायशी कॉलोनी के अंदर हम जल्दी इसके अंदर पट्टा डालने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, आपके जो वार्ड की जो जनता है उस जनता से अपील क्या करना चाहोगे आप? मैं जनता से अपील करूंगा कि मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरा सहयोग करें। अगर कचरे की गाड़ी आती है तो आप कचरे में को गाड़ी में ही डालें, रोके ना रोड पे डालें। कचरे की गाड़ी आती है और अगर फिर भी कोई उसके बाद समस्या आती है तो मुझे फ़ोन करें, मेरे ऑफिस में आए, उनका स्वागत है मेरी जनता का। और ज़्यादातर तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद जनता से जाके मिलूं, सुबह 7 से लेकर 2 बजे तक मैं जनता के बीच ही रहता हूं। देखिए, हम जब आपके वार्ड का दौरा कर रहे थे तो उस टाइम पर कई जो नल है, नल चालू पड़ा रहता है और पानी निकलता रहता है, उसके लेकर एक बार अपील करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि पानी अनमोल है, पानी के लिए बहुत संघर्ष होता है, तो एक एक बूंद हमें बचानी है। मैं देखता हूँ कई लोग नल चालू छोड़ देते हैं और कई लोगों के 4-4, 5-5 कनेक्शन है, उन कनेक्शनों की कमी करके या लीगल तरीके से उस कनेक्शन को ले लें ताकि इस समस्या से निजात पाया जा सके।